अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ज़्यादातर लोगों को मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और जब ये मीठा आसानी से आप घर में कुछ ही सामान से बना लें तो हर कोई बनाना पसंद करेगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुराने दिले वाला बिल्कुल रबरी स्टाइल शाही टुकड़े की रेसिपी। मुश्किल से ये रेसिपी आप सिर्फ 20 मिनट में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। रबरे बनाने के लिए दूध को सुखाने का झंझट बिल्कुल भी नहीं होगा, और बहुत ही कम टाइम में आपकी रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं इसमें आपके साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं इजली रबड़ी शाही टुकड़ा बनाने की रेसिपी। शाही टुकड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। चारों तरफ के साइड्स को मैंने निकाल दिया है। ब्रेड को कट किए बिना भी इसे बना सकते हैं, टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। इसके कॉर्नर को इसलिए निकाल दिया है ताकि सर्व करने के टाइम ये इजीली निकल जाए। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी रेडी करेंगे। एक बर्तन पे मैंने 1 कप के करीब चीनी ऐड कर दिया है। उसमें हम इसी कप से 1.5 कप पानी ऐड कर लेंगे। चीनी को हम थोड़ा सा डिजोल्व होने देते हैं। चीनी का 1.5 गुना पानी हम रखेंगे। आप किसी भी कप से मेजरमेंट करें तो जितना आप चीनी रखते हैं उसके 1.5 गुना पानी रखना है, क्योंकि हमें चाशनी बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी। चाशनी में बहुत ही प्यारा सा कलर लाने के लिए यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड किया था। मैं दिखा नहीं पाई, आप 1 पिंच के करीब फूड कलर ऐड कर सकते हैं। और एक बॉयल आने तक चाशनी को हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। यहाँ पे हमारी चाशनी एकदम कम्प्लीट हो गई है। फ्लेम को ऑफ करके इसे साइड में रख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, ब्रेड को हमें फ्राई करना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि ब्रेड को हम डालडा में या फिर कोई भी ऑयल में फ्राई नहीं करना है, हमें देसी घी में इसे फ्राई करना है, तभी पुराने दिल्ली जैसा टेस्ट आएगा आपके शाही टुकड़ा में। कुछ लोग क्या करते हैं, शैलो फ्राई करके भी शाही टुकड़ा बनाते हैं, बट उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो डीप फ्राई करके देसी घी में बनता है। एक बार ज़रूर इस तरह से डीप फ्राई करके शाही टुकड़ा बना के देखें देसी घी में, आपको डिफरेंस खुद ही पता लग जाएगा। यहाँ पर हमारा एकदम घी गरम हो चुका है, तो लो टू मीडियम पर सारे ब्रेड को हम फ्राई कर लेंगे। कि फ्लेम को मीडियम पर रख कर हमें ब्रेड को फ्राई करना है। अगर से आप हाई पे रखेंगे तो आपका ब्रेड एकदम जल जाएगा। एक साइड अच्छे से फ्राई करने के बाद दूसरे साइड हम फ्राई कर लेंगे ब्रेड को। ये देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी लुक आ गया है, और जो हमने चाशनी बनाई थी ना, अब उसके अंदर इस सारे ब्रेड को एक एक करके डिप कर देंगे। इस तरह से सभी ब्रेड को चाशनी में डिप कर दिया है। रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फुल फैट क्रीम दूध लिया है 1/2 लीटर के करीब। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। क्विकली रबड़ी कैसे बनकर तैयार किया जाता है ये बताऊँगी मैं आपको। दूध में हम 1 बॉयल आने देंगे। तो 1 बॉल में मैंने इसी दूध में से 6 से 7 चम्मच के करीब दूध निकाल लिया है। दूध हल्का सुसुम रहना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इस बाउल में जो हमने दूध निकाला था उसमें मैंने 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। और उसी कटोरी में इसी चम्मच से मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर से आप डायरेक्ट कॉर्नफ्लोर या मिल्क पाउडर को दूध में ऐड कर देंगे तो लम्स आ जाएगा। सबसे अच्छा यही तरीका है कि एक कटोरी में थोड़े से दूध के साथ इसका एक पेस्ट बना लेते हैं और इसे एक साइड साइड करके रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी एकदम हमारी हाफ हो गई है। तो इस स्टेज पे जो हमने मिक्सचर बनाया था उसे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 ड्रॉप के करीब क्योरा वाटर ऐड कर दिया है मैंने थोड़ी खुशबू लाने के लिए। तो क्योरा वाटर आप चाशनी में भी ऐड कर सकते हैं जिसे ज़्यादा खुशबू पसंद है। रबड़ी को हम 10 मिनट के लिए और पकने देंगे और इसमें थिकनेस आने लगेगी। यहाँ पे मैंने थोड़े से खोए निकाल के रखे थे घी जब निकाला था, तो उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो नॉर्मल खोए भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर से आपके पास खोए या मावे अवेलेबल नहीं है तो डालना एकदम कंपलसरी नहीं है, नहीं भी डालेंगे तो आपकी रबड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मात्र 10 मिनट में हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप इंस्टेंट रबड़ी बनाने का तरीका। पास कॉर्नफ्लोर या मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप दूध से भी बना सकते हैं रबड़ी, बट ये है कि दूध को ज़्यादा सुखाना पड़ेगा। गैस के फ्लेम को ऑफ करके इस रबड़ी को ठंडी करने के लिए एक साइड रख देते हैं। चले तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर शेप का ट्रे लिया है, आप किसी भी स्क्वायर शेप का बर्तन ले सकते हैं। और यहाँ पर एक एक ब्रेड करके एक एक स्लाइस ब्रेड के रखना है।
इसके ऊपर मैंने डबल ब्रेड के स्लाइस के लेयर लगाए हैं। सारे ब्रेड को इसी तरह से एक के ऊपर एक तह रखना है, दो दो ब्रेड के स्लाइसेस को। और साइड के कॉर्नर छोटे हैं तो इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरह से एक ब्रेड के दो पीसेस कट कर लिए थे। और इस तरह से सभी ब्रेड के बेस मैंने बना दिए हैं, ये देख सकते हैं। और अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो रबड़ी बना करके रखी थी वो एकदम ठंडी हो चुकी है, और उसकी हम कोटिंग कर लेंगे ब्रेड के ऊपर। ये एकदम झटपट बनकर रबड़ी तैयार हो गई है। और ये जो रेसिपी है ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है, ज़्यादा दूध सुखाना भी नहीं पड़ा और फिर हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ। इस तरह से रबड़ी को हम ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। रबड़ी की अच्छे से कोटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे, ये 8 से 10 बादाम है, उसे हम इस तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है तो आप ज़रूर गार्निश करें। ड्राई फ्रूट्स जब रबड़ी और ब्रेड के साथ मुंह में आते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको पसंद है तो ज़रूर ऐड करिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी और कितनी जल्दी रबड़ी शाही टुकड़े की रेसिपी तैयार हो गई है। आप इसे चाहें तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर से नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए बहुत ही प्यारा गिफ्ट होता है। यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था, और अब मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, एकदम मुँह में घुल जाने वाला रबड़ी शाही टुकड़ा आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।